अराउंड 1978 की बात है कि 11% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 11% आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे थे, 11%, 89% फिर भी मैरिज के अंदर पैदा हो रहे थे हमारी जनरेशन में। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1985 की बात जब देखते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1988 की बात देखते हैं, तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हो रही थी, यानी कि पाओ। लेकिन अभी करंट इन सालों में क्लोज टू 50% पॉपुलेशन आउट ऑफ मैरिज हो रही है। कहा जाता है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही खत्म हो जाएगा। अब इससे आउटकम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हम ये देख रहे हैं कि वो बच्चा पैदा तो माँ को करना है और फादर इतना कमिटेड नहीं है कि वो अपना नाम तक दे, मैरिज करे, ऑफिशियली लीगली ओन अप करे। होता क्या है, कई सारी औरतें होती है जो अबॉर्शन तक पहुंच जाती है। अमेरिका की अबॉर्शन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 प्रेगनेंसीज होती है तो 100 में से 21 अबॉर्शन हो जाते हैं, 21% अबॉर्शन रेट है। लेकिन जो लोग अबॉर्शन करते हैं उनमें अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ब्यूरोज वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक 85% जो अबॉर्शन होते हैं वो अनमैरिड औरतें आती हैं अबॉर्शन कराने। जो अबॉर्शन करने वाली 85% अबॉर्शन अनमैरिड औरतों के होते हैं। अब अबॉर्शन के अंदर जो ट्रॉमा होता है, जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिकल मेंटल, ये सारे ट्रॉमा से किसे गुजरना है? वो मर्द को नहीं गुजरना है, वो औरत को गुजरना है। अगर मान लीजिए कि वो अबॉर्शन नहीं कराती है, वो बर्थ तक पहुंचती है, तो पैदा किसे करना है? उस औरत को करना है। उसके बाद की स्टोरी क्या होती है? कितने सारे ऐसे फादर्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं। अमेरिका के 1/4 हाउसहोल्ड्स, 25% हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जहां एक औरत ही मेन पर्सन है, हेड है, और वही बच्चों को संभाल करके बड़ा कर रही है। अ सिंगल मदर इज ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, अ सिंगल मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर हाउस। तो हम ये देखते हैं ये अकेली माँ, यानी तकरीबन 3,30,00,000 ऐसे घर हैं जिसमें वो अकेली माँ बाप का भी काम कर रही है, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रही है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रही है, घर का मैनेजमेंट भी देख रही है, बच्चों की परवरिश भी कर रही है, सब कुछ संभाल रही है। क्या ये जस्टिस है? क्या ये वुमेन राइट्स दिए जा रहे हैं या ये एक्सप्लॉयटेशन है? हम ये देखते हैं कि इससे आगे वो औरत जो इस तरह की लूज सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है उसमें मर्द कब तक इंटरेस्टेड रहेंगे? जब तक वो ब्यूटीफुल है, जब तक वो यंग है। जब वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगी तब कौन उसके साथ होगा? तो हम ये देखते हैं कि पैदाइश से लेकर परवरिश तक, यहाँ तक कि अगर पिल्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं तो वो पिल्स में भी उसके साइड इफेक्ट्स वो औरत को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या है? तो ये सारा का सारा एक एक्सप्लॉयटेशन है वो औरतों का।